ये सर मुझे बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन पर आपकी क्या राय है? क्योंकि सोयाबीन में हमने 6800 के ऊपर के भी लेवल्स आते हुए देखे हैं, लेकिन वहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आई जो कि कीमतों को नीचे में 6200-6300 तक लेके गई, और अभी भी देख रहे हैं कि सोयाबीन उसी रेंज में ट्रेड करती नजर आ रही है। आपके अकॉर्डिंग क्या सोयाबीन में यहाँ से अभी गिरावट बनेगी या फिर तेजी? देखिए इसमें कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि लार्जर रेंज जो है वो 6000 से 6700 तक की बनी हुई है, काफी बड़ा दायरा है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे मेरा यही मानना है कि 5600 से 5700 के स्तर जब तक बाजार होल्ड कर पा रहा है तब तक तेजी का रुख है। शॉर्ट टर्म में 6050 के लोस थे तो वहां तक प्राइसेस दोबारा बिक सकती हैं, वहां पर अगर देखने मिले तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो है 5700 के नीचे के स्टॉक लेकर बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 6700 का होगा और मुझे लगता है कि पोजिशनल व्यू अभी भी करीबन 7000 का मैं मेंटेन रखना चाहूंगा, तो इस डिप का फायदा उठाया जा सकता है बाय में। हालांकि ये जरूर कहूंगा कि सीपीओ और रिफाइंड ऑयल में जो जो एक इमीडिएट तेजी का रुझान था वो आज नेगेट हो गया है, क्योंकि 1080 के ऊपर मेरा मानना था सीपीओ तेजी में रहेगा, और सिमिलरली 1190 के ऊपर जब तक रिफाइंड ऑयल है तब तक तेजी में रहेगा, लेकिन उन दोनों में फिलहाल मैं तेजी करना अवॉइड करूंगा। सोयाबीन में हालांकि मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन की और नरमी आने के बाद में बाजार फिर से जो है पेस पकड़ सकता है अपसाइड के लिए, और 6700 से लगभग 7000 के स्तर हमें आने वाले कुछ 2 से 3 हफ्तों में दिखाई दे सकते जी।